हमारे देश में एक तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए जॉब फ्रॉड के मामले हैं। जॉब फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जिनमें लोग आसानी से फंस जाते हैं और इस तरह से अट्रैक्टिव स्कीम्स बनाई जाती हैं जो किसी भी युवक को आकर्षित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में हरियाणा में कुछ पोस्टर नजर आए और उन पोस्टर्स को देखकर कई युवक एक गैंग के चपेट में आ गए। पोस्टर्स में दावा किया गया था कि अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको एक मौका मिल सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है जो महिलाएं बेऔलाद हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे। दरअसल इस तरह के दावे पोस्टर में किए गए थे और इन दावों की पूरी पोल खुल गई है। हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक शख्स को जिसका नाम एजाज है, नूह से गिरफ्तार किया गया। दूसरे शख्स को जिसका नाम इरशाद है, पलवल से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही लोग दरअसल इस गौरव धंधे को चलाते थे और पोस्टर्स लगाकर ये दावा किया जाता था कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आप यंग होने चाहिए और आप इस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए कि आप किसी महिला के साथ संभोग कर सकें। और इस तरह के बाकायदा विज्ञापन जब सामने आए तो पुलिस की नज़र में बात आई। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की और तब पता चला कि कई लोग इस फ्रॉड में ऑलरेडी फंस चुके हैं। दरअसल ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक मोटी फीस लिया करते थे जिसमें स्टार्टिंग 750 रुपये से होती थी और ये दावा किया जाता था कि अगर आपकी मीटिंग करने से बच्चा नहीं होता है तो भी आपको 5,000 रुपये पर मीटिंग के दिए जाएंगे। और इसको जॉब बताकर इस तरह से फ्रॉड किया जा रहा था और ऐसे में ये दावा किया जाता था कि अमीर घर की जो लड़कियां हैं इनको बच्चे नहीं हो रहे और वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चे नहीं पैदा करने चाहती, उनके लिए इस तरह की जॉब निकाली गई है। जॉब फ्रॉड के नाम पर बेरोजगारी के चलते आए दिन लोग तरह तरह से स्कीमें निकालते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेरोजगार जो युवक होते हैं वो कई बार इनके चुंगुल में फंस जाते हैं और फिर उनका जो है मनी लॉस होता है। और ज़्यादातर लोग इस बात की रिपोर्ट भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम जाकर पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि हमने एक जॉब तलाश की थी जिसमें महिलाओं को प्रेग्नेंट करना था तो वो ऑलरेडी इलीगल होगा। तो इस तरह से इनका धंधा जो है फलता फूलता रहता है क्योंकि ऑलरेडी ये एक इलीगल काम का ऑफर देते हैं और उसी काम को करने के एवज में लाखों रुपये का झांसा देते हैं, लालच देते हैं। और उस लालच के में फंस कर लोग ना सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं। हाल फिलहाल हरियाणा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे दो मोबाइल फ़ोन और 4 सिम कार्ड अलग अलग बरामद हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इस पूरे रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं जो महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर भोले भाले युवाओं को बरगला कर उनसे पैसे आंटने का काम कर रहे थे।